हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए संदीप अरोड़ा कृष्ण कॉमर्स क्लासेस लुधियाना से आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ, जो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पर, जो सीएस फाउंडेशन, सीएसईपीटी, सीएमए फाउंडेशन और प्लस वन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। इस टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या आ जाएंगे लेक्चर में, कैपिटल, ड्राइंग्स, सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स। इस लेक्चर में इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक कंप्लीट नॉलेज दूंगा मैं, जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए प्लस वन से लेकर एंड तक यूजफुल होंगी। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ है? कैपिटल मीन्स एनी अमाउंट और एसेट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। एक बिजनेसमैन ने कोई भी चीज या पैसा या कोई भी एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट की है, वो क्या है? कैपिटल है। फॉर एग्जांपल, केस वाइज मैं आपको हर चीज बताऊंगा। जैसे कि केस वन में कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस, घर से पैसा बिजनेस में लेके आया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, घर पे आपके पास कैश है, राइट? और इधर आपका राइट हैंड साइड पे बिजनेस है। ये आपने क्या किया? घर से पैसा बिजनेस में लेकर आए। घर से पैसा जब आप बिजनेस में लेकर आए, घर से पैसा जो बिजनेस में लेकर आए, वो क्या बिजनेस में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल के तौर पर, राइट? ये केस वन हो गया आपका, कि जब कैश घर से बिजनेस में लेकर आया जाता है, उसे कैपिटल बोलते हैं। केस नंबर टू, फर्नीचर ब्रॉट इन टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पर कोई फर्नीचर पड़ा था जो क्या है, आपके बिजनेस में यूज हो सकता है। घर में आपके पास फर्नीचर पड़ा है जो आपके बिजनेस में यूज हो सकता है, तो इस केस में क्या हो रहा है? घर से फर्नीचर जो है बिजनेस में आ रहा है, घर से फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। तो ये जो फर्नीचर जो बिजनेस में आया है, उसको आप कैपिटल के तौर पर रिकॉर्ड करोगे, राइट? थर्ड केस है बिल्डिंग ब्रॉट इनटू द बिजनेस। बिल्डिंग ब्रॉट इनटू द बिजनेस, आपके पास कोई पर्सनल बिल्डिंग थी, आपने क्या किया, वो बिल्डिंग ऑफिशियल यूज के लिए आपके आ सकती है, काम आ सकती है, तो आपने वो क्या किया, कैपिटल के तौर पे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये जब बिल्डिंग घर से आपने ट्रांसफर की बिजनेस में लेकर आए, तो फिर ये आपकी क्या बन गई? कैपिटल बन गई, राइट? ये तीन आपके तीन तरीका होता है कैपिटल रिकॉर्ड करने का बिजनेस में। या तो फिर आप कोई कैश लेकर आए हो, पैसा लेकर आए हो, या तो फिर क्या है, बिजनेस में फर्नीचर लेकर आए हो अपने घर से, या तो फिर कोई बिल्डिंग घर से बिजनेस में लेकर आए हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट? ये तीन केसेस थे जब कैपिटल बुक्स में रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट केस है, कॉन्सेप्ट हमारा है ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या है? कोई भी चीज देखा जाए तो कोई भी चीज बिजनेस से घर में लेके जाई गई है, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। कोई भी चीज बिजनेस से घर में लेके जाई गई है, मतलब रिवर्सल ऑफ कैपिटल, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे कि केस वन है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इस पर रिवर्स हो गया कि बिजनेस में से कैश घर के लिए, घर के काम के लिए, कोई कोई भी एक्सपेंसेस के लिए लेके जाया गया। जैसे कि हमारे बिजनेस में कैश पड़ा था, वो हम घर पे ले गए, राइट? बिजनेस से पैसा जो है वो घर में चला गया, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। केस टू है गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, राइट? हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी कोई गुड्स सेल और परचेज करते हैं, राइट? डील करते हैं उसके साथ, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। वो सर्विसेज हमने क्या की, अपने घर में प्रोवाइड कर दी, राइट? या तो फिर घर पे प्रोवाइड कर दी, या तो फिर गुड्स हमने बिजनेस से घर के लिए यूज कर ली,
तो ये क्या मानी जाएगी? ड्राइंग्स मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से घर में ही गई है चीज कोई, राइट। थर्ड चीज है, थर्ड केस है बिजनेस फर्नीचर विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आपने फर्नीचर बिजनेस से घर के लिए यूज करने के लिए ले गए, तो वो भी देखा जाए तो ड्राइंग्स ही कहलाएगी, ड्राइंग्स में ही काउंट होगी, राइट। जैसे कि फर्नीचर है आपके बिजनेस में, वो आपने क्या किया, अपने घर के लिए ले गए, वो शिफ्ट हो गया आपके ऑफिस से घर के लिए शिफ्ट हो गया, वो भी क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के भी तीन ही केसेस हो गए, बिजनेस से पैसा घर के लिए गया वो ड्राइंग्स है, बिजनेस से कोई बिल्डिंग थी वो घर के लिए गई गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में कोई एसेट थी वो आप घर में ले गए, एसेट्स कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, राइट। ये तीन केसेस हो गए जो किस चीज़ के हैं, ड्राइंग्स के हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डेटर्स। डेटर्स क्या है? अमाउंट पेबल बाय द पर्सन। एक पर्सन ने हमारे को अमाउंट पे करनी है, किस लिए? हु परचेज द गुड्स और सर्विसेज, जिसने हमारे से गुड्स खरीदी थी या फिर सर्विसेज ली थी फ्रॉम बिजनेस एंटिटी। मतलब अमाउंट पेबल बाय द पर्सन हु परचेज द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड डेटर्स। एक बंदे ने, जिसने हमारे से उधार कोई सामान खरीदा था, उसने हमारे को पैसे देने हैं, उसको हमारी बुक्स में हम उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। सर्विसेज एंड गुड्स जो हमने उसको सोल्ड करी थी किस पे, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे सोल्ड करी थी, वो हमारी बुक्स में क्या कहलाएगा, डेटर, राइट। डेटर कौन है? जिससे हमने पैसे लेने हैं। किस वजह से लेने हैं? क्योंकि उससे उसको हमने उधार पे कोई चीज बेची थी, गुड्स या सर्विसेज दी थी। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? अमाउंट पेबल टू द पर्सन, हमने किसी पर्सन को पैसे देने थे फॉर परचेज द गुड्स, फॉर परचेजेज द गुड्स और सर्विसेज, हमने उस बंदे से कोई गुड्स खरीदी थी या तो फिर कोई सर्विस रिसीव की थी, टू होम अकाउंट अमाउंट इज पेबल, जिसको हमने पैसे देने थे, राइट, वो है क्रेडिटर। हमारी बुक्स में क्रेडिटर है जिसको हमने पैसे देने थे, किस लिए, गुड्स खरीदी थी या फिर सर्विसेज हमने ली थी उसके लिए, वो है क्रेडिटर। अब किसी पर्सन को पास ड्यूज हैं, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि पास ड्यू है, किस वजह से, ड्यू टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। क्रेडिट परचेज की वजह से पास्ट ड्यू खड़े हैं, वो क्रेडिटर है हमारा। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज। सेल किसे बोलते हैं, परचेज किसे बोलते हैं? सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड पे केसीसी लिमिटेड है, जो क्या है, सर्विस एंड गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है या गुड्स सोल्ड करती है। अब केसीसी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को, केसीसी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को सर्विसेज प्रोवाइड की, राइट। अब ये जो सर्विसेज हैं एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या हो जाएंगी, परचेज के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक्स लिमिटेड की बुक्स में ये जो सर्विसेज हैं परचेज के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएंगी, और यही सर्विसेज केसीसी लिमिटेड की बुक्स में सेल के तौर पर, क्योंकि केसीसी लिमिटेड ने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसको, एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या हो गई, परचेजेस, और केसीसी लिमिटेड के क्या हो गई, सेल्स। अब इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक अगर ये क्रेडिट पे बेची होती, सर्विस प्रोवाइड की होती केसीसी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को ऑन क्रेडिट, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या होता, क्रेडिटर के तौर पे, कौन, केसीसी लिमिटेड। केसीसी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या होता, क्रेडिटर, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने पैसे देने हैं केसीसी लिमिटेड को। अब इन द बुक्स ऑफ केसीसी लिमिटेड क्या रिकॉर्ड होता, डेटर, कौन, एक्स लिमिटेड।
इन द बुक्स ऑफ केसेस लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कौन हो गया? डेटर्स, राइट। ये चारों टर्मिनोलॉजी आपकी इकट्ठी आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ आ जाएगी इन इमेजेस के थ्रू। सेल, परचेज, डेटर एंड क्रेडिटर। नेक्स्ट है एसेट्स क्या होती है। एसेट्स क्या है? एसेट्स रेफर्स टू टेंजिबल और इंटेंजिबल राइट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट क्या है? टेंजिबल या इंटेंजिबल राइट्स जो क्या है, हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जो मेजरेबल बेनिफिट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। एसेट्स दो तरीके की होती है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में कौन कौन सी हैं? फिक्स एसेट भी आगे दो कैटेगरी में क्लासिफाई है। नंबर एक है टेंजिबल फिक्स एसेट, नंबर दो है इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और दूसरी फिक्स एसेट कौन सी होती है? करंट एसेट। एसेट्स दो टाइप की, एक फिक्स एसेट एक करंट एसेट। फिक्स एसेट आगे दो कैटेगरी में सब डिवाइडेड है, एक टेंजिबल फिक्स एसेट और इंटेंजिबल फिक्स एसेट, राइट। दूसरा करंट एसेट्स। सबसे पहले हम करेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज, हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स। नंबर वन क्या था? एंटरप्राइज ने होल्ड की हुई है, हेल्ड की हुई है, किस लिए? प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, हम कृष्ण कॉमर्स क्लासेस लुधियाना में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सीएस की कोचिंग। अब उसके लिए हमारे को एयर कंडीशन की ज़रूरत है, डाइस वगैरह, चेयर्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है? फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अगर कोई और बिजनेस एंटिटी है जो प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसके लिए मशीनरी है, वो फिक्स एसेट्स है। अगर कोई एंटिटी है गुड्स सोल्ड करती है, सेलिंग द गुड्स मतलब ट्रेडर्स जो हैं वो गुड्स सेल करने के लिए कोई एसेट रखते हैं, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी? फिक्स एसेट। जैसे कि कोई किसी भी तरीके की उनके पास एसेट्स पड़ी है बिजनेस में, राइट, वो फिक्स एसेट्स है एंड नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और उसने होल्ड सेल करने के लिए नहीं करी हुई, उसने अपने यूज करने के लिए एसेट खरीदी है, वो रीसेल करने के लिए, रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदी। फिक्स एसेट कौन सी एसेट्स हैं जो एंटरप्राइज द्वारा हेल्ड की गई हैं, किस लिए हेल्ड की गई हैं एंटरप्राइज द्वारा, किस लिए? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या गुड्स सोल्ड करने के लिए, ना कि रीसेल के लिए। अब इसकी आगे कैटेगरी है टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट में कौन सी आती हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच एंड सीन, जो देखी हुई और छुई जा सकती हैं, जैसे कि बिल्डिंग और फर्नीचर और एयर कंडीशनर। और कौन सी हो सकती हैं? फैन हो गया, कार हो गई, और बहुत सारी एसेट्स हैं जो हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग आती रहेंगी। मतलब टेंजिबल फिक्सेड वो हैं जो क्या है, देखी और छुई जा सकती हैं। नेक्स्ट है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? जो इनटेंजिबल हैं, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। जो इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच एंड सीन, जो देखी और छुई नहीं जा सकती, वो इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। अब ये सारी इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, इनमें से काफ़ी आपने सुनी होंगी, जैसे कि ट्रेडमार्क्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, मेल, ब्रांड नेम्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, माइनिंग क्लेम्स, ये सारी और बहुत सारी होती हैं। ये सारी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। इसमें से कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर वन, गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म। गुडविल क्या है? एक रेपुटेशन है फर्म की अगेंस्ट द कंपिटिटर ऑफ द फर्म। मतलब हमारे कंपिटिटर के अगेंस्ट हमारी रेपुटेशन है, कि हमारी क्वालिटी जो है उस
हमारी कंपटीटर के अगेंस्ट अच्छी क्वालिटी है या फिर हमारी सर्विस उनसे अच्छी है, ड्यू टू विच फर्म इनेबल टू अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट, जिसकी वजह से हम अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी अच्छी सर्विस की वजह से, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हम क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लायक हैं, वो गुडविल होती है, राइट। गुडविल क्या है, रेपुटेशन है किसके अगेंस्ट, हमारे कंपटीटर के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या है, हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लायक हो गए हैं। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क्स आपने देखा होगा, हर कंपनी के अपने अपने ट्रेडमार्क्स हैं, सोनी है, एडिडास है, पेंटीन है, रिबॉक है, ये सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं। लाइसेंस, अब लाइसेंस क्या है, लाइसेंस भी तो एक राइट ही है कि हम, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस राइट प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल पर्सन को कि हाँ भी वो ट्रक चला सकता है, कार चला सकता है, कमर्शियल व्हीकल चला सकता है। अब उसके लिए जो उसका लाइसेंस पीरियड है वो बेनिफिट है, इंटेंजिबल बेनिफिट है कि वो इंडिविजुअली वो खुद ही सिर्फ ड्राइव कर सकता है, तो वो भी देखा जाए फिक्स एसेट ही हो गई इंटेंजिबल। उसके बाद पेटेंट। पेटेंट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाई कंट्री टू द ऑनर ऑफ इन्वेंशन टू मेक यूज मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द इन्वेंशन। मतलब मैंने कोई चीज़, नई चीज़ इन्वेंट करी, मैंने कोई नई चीज़ इन्वेंट करी, उसके लिए मैंने पेटेंट रजिस्टर करवा लिए, पेटेंट रजिस्टर करवाने पर मेरी कंट्री का जो लॉ है मुझे अधिकार देगा कि मैं उसको यूज़ कर सकूं, उससे आगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं या फिर उसकी मार्केटिंग कर सकूं, जो भी मैं उसके साथ करना चाहता हूँ, उसके थ्रू करना चाहता हूँ, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, सोल्ड करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, वो सारा कुछ मेरे को, वो पेटेंट जो है राइट है, मेरे को एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और मेरे अलावा कोई और बंदा उसको मेरी इजाज़त के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता पेटेंट होल्डर की इजाज़त के बिना, वो मेरा देखा जाए इंटेंजिबल बेनिफिट है, राइट। अब इंटेंजिबल फिक्स्ड के बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं नॉट मोर देन वन ईयर। करंट एसेट्स वो हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं नॉट मोर देन वन ईयर, जैसे कि कैश एंड बैंक, सॉरी कैश इन हैंड नंबर वन, हमारे पास कैश है वो। नंबर दो डेटर्स, डेटर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डेटर्स वो हैं जिससे हमने पैसे लेने हैं। नंबर तीन अकाउंट रिसीवेबल, कुछ अमाउंट बिल रिसीवेबल भी बोल सकते हैं इसको, किसी से पैसे लेने हैं वो भी हो सकता है। दूसरा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स फिनिश गुड्स, सॉरी स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर है। इन्वेंट्री थ्री टाइप की होती है, नंबर वन रॉ मटेरियल, नंबर टू वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर थ्री फिनिश। रॉ मटेरियल क्या है, जो अभी रॉ ही हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा था। WIP क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो ना ही रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है, अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तीसरा है फिनिश गुड्स, जो हमने गुड्स साल के दौरान मैन्युफैक्चर तो कर ली थी पर अभी तक सोल्ड नहीं हुई, वो हमारा एसेट्स हो गया, स्टॉक के तौर पर बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ जाएगा। और उसके बाद कैश एट बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 5 लाख, 10 लाख रुपये कुछ पड़ा है, वो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स है, राइट। ये करंट एसेट्स ही हमारी, करंट एसेट्स कौन सी होती हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं नॉट मोर देन वन ईयर। फिक्स एसेट वो थी जो हमें मोर देन वन ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो क्या है, मेजरेबल होता है। करंट एसेट वो है जैसे कि कैश, कैश है, डेटर है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, ये सारी करंट एसेट्स हैं। उसके बाद लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में देखा होगा जैसे कई बिजनेसेस होते हैं जैसे कि पोल्ट्री फार्म है, इनका ये जैसे आप इमेज में देख रहे हो पोल्ट्री फार्म वालों का ये क्या है, स्टॉक है। एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ जो स्टॉक होता होगा इसको वो लाइव स्टॉक बोलते हैं, और कई अपना एनिमल को जैसे कि पेट शॉप होती हैं वहाँ पर जो इन्वेंट्री उनकी ये पड़ी एनिमल्स हैं
तो ये इनके लिए क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें वीडियो को अगर आपको